देखो जब हम टीचिंग करते हैं ना, हाँ तो लाइव जाने के लिए वही चीज़ है जो हमारा फिजिकल के लिए है। ऑफलाइन में भी वही मज़ा आना चाहिए जो ऑनलाइन में, वही मज़ा आना चाहिए जो ऑफलाइन में आता है। जी और मेन पार्ट है प्रेजेंटेशन का। तो सारे हमारे टीचर्स जो हैं वो बस यहीं पे ही प्रॉब्लम करते हैं कि आप अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे, फिर बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता। तो ये लैपटॉप पे स्पेशली या डेस्कटॉप पे सबसे अच्छी एप्लीकेशन लगी मुझे, जो विंडो की है, वन नोट। अब आप ये लेफ्ट में देख रहे हो बुक्स बनी हुई हैं, जी आप इसे क्लिक करोगे तो इस वाले लेफ्ट वाले कॉलम में नीचे देखो, ये दिख रहा है ऐड सेक्शन। एड सेक्शन सर ठीक है, तो जी अब जी अगर आप देखोगे, मैं भी बता रहा हूँ, यहाँ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो ये आपकी क्लास हो सकती है, आपका सब्जेक्ट हो सकता है, आपका चैप्टर हो सकता है। ठीक है, ओके ओके जैसे ये देखो मैंने इतने सारे बना रखे हैं। अच्छा ठीक है, 10th के बैचेस हैं, 11th के बैचेस हैं, MBA के बैचेस हैं। ठीक है, अलग अलग डिप्लोमा के हैं, BST का है, लाइक दिस। अब जैसा मैं आपको दिखाऊं 10th का बैच है, तो 10th के बैच में इतने चैप्टर्स हैं। ठीक है, जब आप एक सेक्शन बनाओगे तो फिर उसमें आप ऐड करते चले जाओगे। ये मेरी नोटबुक्स हैं बेसिकली, ठीक ये जो हैं ये नोटबुक्स हैं, नूर्स नोटबुक। ओके नोटबुक में बनेंगे, ये नीचे आ रहा है ऐड नोटबुक। आपको कोई बनाना है तो आप यहाँ बनाएंगे। आपने मान ली कह रहा 11th, ठीक है, हाँ जी हाँ जी आपकी मर्जी, आप जो भी चाहे नाम रखो, 11th बायोलॉजी। तो ये आपने क्रिएट कर लिया। अब आपने किस नाम से अपना यूजर बनाया हुआ है, वो तो लैपटॉप पे, क्योंकि मेरे उस पे दो ज्यादा भी ओपन रहते हैं, तो हाँ मान लो जी मैंने अपने नाम से क्रिएट कर दिया। तो जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रखोगे बच्चों को उतना अच्छा लगेगा। अभी आपका 11th बायोलॉजी की नोटबुक बन गई। हाँ जी अब इसके नीचे न्यू सेक्शंस आ रहे हैं, तो इसको आप रीनेम कर दो, चैप्टर 1। ठीक है, सेल जो भी आप नाम देना चाहो, जो भी चैप्टर 1 का नाम हो आप दे सकते हो। आप इसी में ऐड सेक्शन कर दो, चैप्टर 2, चैप्टर 3, व्हाटएवर, जितने आप चाहे यहाँ ठीक बनाते जाइए। ठीक है, है अब सर मान लो आप चैप्टर 1 में गए, तो ये सामने उसके ये एंटाइटल पेज आ रहा है। अब यहाँ आप इसको जो यहाँ आप लिखोगे, ये जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए आपने लिखा क्लास 1, आप उसका टाइटल देना चाहो दे दो, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी ऑफ सेल व्हाटएवर। ठीक है, तो आप जो चाहे दे दीजिए यहाँ पे। ऐसे तो ये आपका यहाँ आ गया, ये क्लास 1 मैंने लिखा है। तो अब आपको जो भी पढ़ाना है वो इस पेज पे पढ़ाओगे यहाँ। ओके हाँ ठीक है, अब इसमें भी अच्छी बात यह है कि ये व्यू दिया है, व्यू, तो जी हाँ जी ये इतने सारी चीजें दी हैं इसने। ठीक है, अब ऐसा है, लेकिन यहाँ सबसे अच्छा जो मुझे लगता है ये रूल लाइंस हैं, तो छोटी बड़ी टेबल टाइप। तो आप लाइंस करोगे तो ये पेज पे लाइन आ जाएंगे, ठीक तो लिखना आसान होता है। हाँ जी हाँ जी अब इस पे नोटबुक पे करो तो ये पूरी स्क्रीन आ जाएगी। आगे समझे, हाँ जी आगे ओके अब यहाँ ड्रॉ दिया हुआ, ड्रॉ। तो ये इतने सारे पेन हैं आपके पास, इन पेन को भी आप अलग अलग उसमें चेंज कर सकते हो, पतला लेना है, मोटा लेना है, और ज्यादा मोटा लेना है, कलर्स चेंज करने हैं, हाईलाइटर्स करना है, वॉट एवर जो आप चाहें। ठीक है, अलग अलग कलर्स आप रख सकते हो, इरेजर्स हैं यहाँ पे आपके पास, यहाँ शेप्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, और ये जब आप लिख रहे हो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। अब मैं आपको दिखाऊं कैसे सेव हो रहा है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि ये मेरे बैचेस हैं, तो ये सपोज करो मेरे पास चैप्टर्स हैं, और मैंने चैप्टर 1 में, ठीक है, ये मेरे पास हैं, एक क्वेश्चन कैसे डाले आपने अभी बताऊं, ये मान लीजिए मेरे पास है चैप्टर 1, चैप्टर 2, इसमें मैंने इतनी क्लास ली, ओके तो आप क्लास 1 क्लिक करोगे तो क्लास 1 मैंने क्या पढ़ाया था वो यहाँ आ जाएगा।
तो ये हमेशा के लिए नोट्स हैं, ठीक है? ठीक, आप इसी को पीडीएफ बना के बच्चे को भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, मेल पे भेज सकते हो, और उसके उसके पास भी अगर वन नोट है तो उसे शेयर कर सकते हो डायरेक्टली, तो उसके पास वन नोट पे चला जाए, 10 बच्चों के पास है, 10 बच्चों को एक्सेस हो जाएगा। ये यहाँ ऊपर देखो शेयर लिखा हुआ है, हाँ जी, राइट साइड, हाँ राइट साइड, तो यहाँ इन ईमेल से भेज सकते हो, तो उसकी उसकी वन नोट में खुल जाएगा जाके। ठीक है, अब इसमें फायदा क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे आपके पास क्लास 1, क्लास 5, क्लास 4, क्लास 3, डाउट्स क्लास, व्हाटएवर जो भी आप टॉपिक लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास है, जैसा तो मैंने इतनी इस चैप्टर में इतनी क्लासेस ले चुका हूँ, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो उसे आप भेज दो, कि ये उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं? उसे ज़रूरत नहीं है कि वो कॉपी करे, वो पहले समझे, नोट्स तो अपने आप बन रहे हैं, समझ रहे हैं? जी सर, तो ये पूरा का पूरा उस बच्चे के पास जा रहा है, उसे कहो कि बस फोकस करो, कोई चीज़ आप कराना चाहते हो कि बेटे तुम सॉल्व करो वो अलग बात है, अदरवाइज उसे कहो फोकस करो, पढ़ो, समझो, पूछो, तो ये पूरा अपने आप कलरफुल आपका असाइनमेंट बन रहा है। तो एक तो ये है क्लास वाइज, ठीक है? अब इसमें जो आप कह रहे थे, इसमें होता क्या है कि आप कहीं से भी जेपीजी इमेज ला सकते हो, ठीक है? मैं आपको दिखा रहा हूँ, सपोज करो मैं क्या करता हूँ, अब जैसे एक तो सबसे अच्छी बात ये, जैसे एक तो आप ये है कि एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हो, है ना? आप जैसा पढ़ा रहे हो, बच्चों के पास भी एनसीईआरटी बुक है, तो आप जो हैं ये देखो इधर, ये ऐसे आप एनसीईआरटी की बुक ओपन कर सकते हो, ठीक है? बच्चों के साथ जब आप शेयर करो तो अच्छा है, लैपटॉप पे आपके पास सारे सब्जेक्ट्स की हर क्लास की बुक्स हों, और एनसीईआरटी तो अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो, तो आप यहाँ से पूरा पूरा फिगर, पूरी इमेज उठा सकते हो। अब जैसा आपने कहा, ये मान लो जब मुझे, आपके तो बायोलॉजी में इमेजेस चाहिए होती हैं, तो आप यहाँ से पूरी इमेज, अगर आपके पास पीडीएफ है या जेपीजी है, उसे सिलेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, व्हाट्सएप से कॉपी कर सकते हो, तो ये कॉपी करो और इसे ले जाके सीधा सीधा जो आपके पास है नोटबुक जो आपने ओपन करी हुई है उसमें शो कर दो। जैसे हमने ये बनाई है आपके लिए, तो यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये पूरी इमेज आ जाएगी, तो आप क्वेश्चन ला सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो आपके पास, ये जो आपके पास ऊपर मार्कर आ रहे हैं, अब अगर आपके पास वो डिजिटल पैड है, ठीक है, तो अब आप वो वाला पेन यूज नहीं करोगे, अब आप उसमें से यहाँ सेलेक्ट करोगे और अपने पैड से यहाँ लिखोगे। इस पैड से लिखा जाता है सर? हाँ, अगर आप पैड को जब अपने कंप्यूटर से अटैच करोगे तो वो नोट से अटैच हो जाएगा, ये जो वन नोट है ये चल रहा है, तो ये माउस की तरह से काम करेगा आपका, तो जो आपका पेन है वो ही लिखेगा अब इस पे। तो आप पैड पे लिखोगे, आप तो लिखोगे पैड पे, वो यहाँ लाइंस पे लिखा जाएगा सीधा सीधा, तो जो आपको एक्सप्लेन करना। अब ये इतना स्मूथ होता है कि बिल्कुल बच्चे को हैंड राइटिंग नोट्स मिलते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आपकी राइटिंग इम्प्रूव होती चली जाएगी। नहीं सर, मैंने इस पर लिया है, 2-3 महीने लिया है पेंटैप की क्लास सर। पेंटैप पे लिया ना, वन नोट पे नहीं लिया होगा ना? लेकिन उस पे नहीं लिया सर। अब आप इसे ऊपर जितना चाहे करते चले जाइए, ठीक है? ये हमारे पास इसी में नोट्स बनते चले जाएंगे। अगर आप मान लो किसी बच्चे ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रखा है, तो वहां से भी आप क्वेश्चन ला सकते हो, समझ रहे हैं? तो वीडियोस आप यहाँ चला सकते हो, जो चाहे आप कर सकते हो। सर रिकॉर्ड भी हो जाएगी क्या यहाँ पे? रिकॉर्ड आप तो उससे करोगे ना, जूम से। जूम पे रिकॉर्डिंग है आपके? हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग है उसके। बस आपने लाइसेंस वाला जूम चला रहे हो, फ्री वाला चला रहे हो? फ्री वाला सर।
फ्री वाले पे रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो? रिकॉर्ड उसी पे रिकॉर्ड किया सर, ये वाला जो मैंने आपको सेंड किया था सर। उसी पे किया ना, तो बस उसे चला दो अच्छा तो वो साथ में आपके आता रहेगा। अब जैसा ये मैं आपका पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा, देखते भी सकते हो बाद में, अच्छा अच्छा तो वो आप रिकॉर्ड कर लो। फिर वही आप क्या करो, मैं बच्चों को ऐसे ही करता हूँ, आप क्या करो कि एक तो ये PDF बच्चों को भेज दो ओके और वो वीडियो भेज दो। तो अगर किसी बच्चे का मिस हो गया, सर मैंने क्लास नहीं करी, कि बेटे पहले उससे देख लो, फिर भी पूछना है तो फिर पूछ लो। अच्छा, मतलब अपने उसमें वन नोट खोलकर, मतलब पहले तो जूम खोलना है, जूम के बाद वन नोट में मतलब स्क्रीन शेयर जो करके आप वन शेयर खोलना। करते हो ना स्क्रीन, हाँ जी हाँ जी बस जूम पे स्क्रीन शेयर करो, वो तो आपके ऊपर है ना कि जूम, आप जूम पे क्या शेयर करना चाह रहे हो। ठीक, समझ गया तो सर। आप इस पे शेयर करोगे तो ये सारा बच्चा इस पे पढ़ता रहेगा। सही है सर। ठीक है, इसमें भी अच्छी बात यह है अगर आप चाहो कि आप अपने मोबाइल पे भी खोल लिया करो। अच्छा आप तो लैपटॉप से पढ़ाओगे ना, हाँ जी हाँ जी बट जिस ग्रुप में आप लिंक डाल रहे हो जी तो वो तो व्हाट्सएप पे डाल रहे हो ना आप, जी जी तो फोन पे डाल रहे हो तो फोन पे भी ओपन करके बैठ जाओ, तो उससे आपको ये विजिबल रहेगा कि आपको क्या दिख रहा है, बच्चे को क्या दिख रहा है, समझ गया सर। समझ गए? तो जी अगर सर लिंक ब्रेक हो रहा है, आपकी वीडियो रुक गई है, आवाज नहीं जा रही है, तो वो आपको वहां दिखता रहेगा। तो इस तरह से, लेकिन ये ध्यान रखना अगर लैपटॉप और मोबाइल दोनों पास हैं जी तो मोबाइल का ऑडियो ऑफ रखना, ठीक है। वरना वो आवाज जो है ना वो फिर वो ब्लर हो जाता है, दोनों आपस में टकराती हैं तो फिर आवाज फटती है, वो सुनाई नहीं देता, इको क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे करो, बढ़िया है, माशाल्लाह से अच्छा कर रहे हो। और बताओ, नदीम भाई को तो वहां भेज दिया, हाँ सर, वो अच्छा है ना? मुजफ्फरनगर। जी जी ठीक अच्छा है, अल्लाह का शुक्र। है। बात हो रही थी, मैंने कहा भाई अच्छा ऑप्शन है, तुम चले जाओ, आज परेशान भी हो रहे थे, कहने जी जी लगे वो